हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टोरेज सेल के बारे में। स्टोरेज सेल इज नथिंग बट अ बैटरी। जो हम लोग घर में देखते हैं, कार में देखते हैं, वही एक बैटरी को स्टोरेज सेल कहा जाता है। तो आज स्टोरेज सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका डेफिनेशन जानेंगे, उसका टाइप्स जानेंगे, क्या क्या पार्ट्स रहता है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टोरेज सेल में क्या होता है, स्टोरेज सेल में हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक सॉल्यूशन रहता है जैसे कि डाइल्यूट H2SO4। उस डाइल्यूट H2SO4 में दो जो लीड है वो यहाँ पे डिप किया होता है। ओके, तो डिप करने से यहाँ पे एक EMF जेनरेट होता है। उस EMF को अगर हम लोग यूज करना चाहते हैं तो एक हम लोगों को लोड कनेक्ट करना होता है इस दो लीड के बीच में, तब यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होता है। दो लीड मतलब एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ओके, तो ये है एक बेसिक आइडिया कैसे स्टोरेज सेल काम करता है। स्टोरेज सेल में एक सॉल्यूशन होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और H2SO4 का। यह है H2SO4, ओके, और यह है लीड। ओके, तो इसमें एक EMF जेनरेट होता है। उस EMF को अगर हम लोग यूज़ करना चाहते हैं तो इसे वायर से कनेक्ट करना होता है। ठीक है, तो मेन पार्ट्स क्या क्या होता है इसमें, नंबर वन इज इलेक्ट्रोलाइट, नंबर टू इलेक्ट्रोलाइट मीन्स जो सॉल्यूशन यूज होता है उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, नंबर टू इज इलेक्ट्रोड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, नंबर थ्री इज कंटेनर, दैट मीन्स जो जिसमें वो सॉल्यूशन रहता है और जिसमें ये जो लीड है, इलेक्ट्रोड जो है, दो इलेक्ट्रोड उसमें डिप किया होता है। ओके, सो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ ए स्टोरेज सेल। अब आते हैं कि स्टोरेज सेल कितना तरह का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल, नंबर वन इज प्राइमरी सेल एंड नंबर टू इज सेकेंडरी सेल। अब प्राइमरी सेल किसे कहते हैं, प्राइमरी सेल मतलब जो पेंसिल बैटरी हम लोग देखे हैं जो रिचार्जेबल नहीं है उसे हम लोग प्राइमरी सेल कहते हैं। तो प्राइमरी सेल का डेफिनेशन क्या है, प्राइमरी सेल इज ए सेल जिसको हम लोग एक बार डिस्चार्ज करने के बाद हम लोग दोबारा उसे रिचार्ज नहीं कर सकते, जैसे कि ड्राई सेल एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल है जिसको हम लोग दूसरे बार रिचार्ज कर सकते हैं, एक बार डिस्चार्ज हो जाए दूसरे बार हम लोग रिचार्ज कर पाएंगे। ओके, जैसे कि लिथियम आयन हम लोग मोबाइल में जो बैटरी यूज होता है और जो रिचार्जेबल पेंसिल बैटरी यूज होता है वो भी एक सेकेंडरी सेल है। ओके, सो दिस इज प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। तो हम लोग क्या क्या देखें, हम लोग देखें बेसिक जो प्रिंसिपल है स्टोरेज सेल का, यहाँ से हम लोग शुरू किए हैं बेसिक प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज द मेन पार्ट्स, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड एंड कंटेनर। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ सेल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल। अब हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ डिफरेंस लिख लिए हैं। देखो पहला डिफरेंस क्या है, इट इज डिस्चार्ज वन कैन नॉट बी रिचार्ज्ड। ओके, दैट मींस अगर प्राइमरी सेल एक बार डिस्चार्ज हो जाए पूरा तो उसको हम लोग फिर से रिचार्ज नहीं कर पाएंगे, पर सेकेंडरी सेल में इफ डिस्चार्ज कैन बी रिचार्ज अगेन, हम लोग फिर से रिचार्ज कर पाएंगे उसे। ओके, इसका जो लाइफ है वो लो लाइफ है, मतलब ये ज़्यादा दिन नहीं चलता है और इसका जो लाइफ है वो लॉन्ग लाइफ चलता है। ओके, इसका कॉस्ट जो है वो लो कॉस्ट है और इसका जो थोड़ा एक्सपेंसिव है प्राइमरी सेल के कंपैरिजन में। हम लोग जानते हैं कि छोटा सा पेंसिल बैटरी और रिचार्जेबल पेंसिल बैटरी का प्राइस में कितना फ़र्क है। ओके, नेक्स्ट इजी टू यूज़ एंड यहाँ पे देखो डिफ़िकल्ट टू यूज़ इन कंपैरिजन टू प्राइमरी सेल, दैट मीन्स ये यूज़ करना ईजी है पर ये प्राइमरी सेल के कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन एक यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब यहाँ पे फुल चार्ज बैटरी हम लोग के पास है, दुकान से हम लोग खरीद के लाए हैं, उसको हम लोग एक बार डिस्चार्ज कर दिए फिर से हम लोग रिचार्ज नहीं कर पाएंगे,
ओके, दैट इज कॉल्ड ई रिवर्सिबल रिएक्शन। पर यहाँ पे क्या होता है, चार्ज बैटरी है, उसको हम लोग फिर से डिस्चार्ज किए, फिर से हम लोग उसे रिचार्ज कर पाएंगे, सो दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट इज लो सेल्फ डिस्चार्ज रेट। सेल्फ डिस्चार्ज जो रेट है वो लो है, मतलब ये उसका पूरा डिस्चार्ज होने, ये जो है एक बैटरी, एक फुल चार्ज सेकेंडरी सेल और एक फुल चार्ज प्राइमरी सेल के बीच में अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो प्राइमरी सेल डिस्चार्ज होने में जितना टाइम लेगा, सेकेंडरी सेल उसके पहले ही डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो दैट इज कॉल्ड लो सेल्फ डिस्चार्ज रेट एंड हायर सेल्फ डिस्चार्ज रेट। नेक्स्ट वन इज लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। यहाँ पे रेगुलर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, ये जो प्राइमरी सेल है इसका रेगुलर हम लोगों को मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है, पर जो सेकेंडरी सेल है उसको रेगुलर हम लोगों को मेंटेनेंस करना पड़ता है, चार्ज देना पड़ता है अगर डिस्चार्ज हो जाए, और कुछ रूटीन मेंटेनेंस है वो भी हम लोगों को यहाँ पे करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ये जो एग्जांपल है, देखो ड्राई सेल अल्कलाइन बैटरी, ये प्राइमरी सेल का एग्जांपल है। ये एग्जांपल जो है ये अच्छी तरह से याद रखो, क्योंकि एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि ड्राई सेल इज ए एग्जाम्पल ऑफ डैश। ओके, सो चार ऑप्शन रहेगा, वहाँ से हम तुम लोगों को एक ऑप्शन पिक करना होगा। ओके, ठीक है, सो प्राइमरी सेल का एग्जांपल क्या है, ड्राई सेल अल्कलाइन सेल। सेकेंडरी सेल का एग्जांपल क्या है, निकल कैडमियम लेड एसिड सेल एंड लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी हम लोग जानते हैं, ठीक है, जो हमारे मोबाइल में यूज होता है, दैट इज लिथियम आयन बैटरी। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस ऑफ प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। ओके, हम लोग एक बार फिर से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। प्राइमरी सेल एक टाइम डिस्चार्ज हो जाए तो उसको हम लोग फिर से रिचार्ज नहीं कर पाएंगे, पर सेकेंडरी सेल में उसे हम लोग रिचार्ज कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि एक लेड एसिड बैटरी में, एक सेल में क्या क्या पार्ट्स रहता है, ओके, और उस पार्ट्स का काम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो लेड एसिड सेल का जो डायग्राम है और जो मेन पार्ट्स है वो यहाँ पे लिख लिए हैं। देखो क्या क्या है इसमें, पहला जो पार्ट है दैट इज कंटेनर। कंटेनर किसे कहते हैं, जहाँ पे जो लिड है वो डीप रहता है और जिसमें जो सॉल्यूशन है वो भी यहाँ पे रहता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द कंटेनर। ओके, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है डाइल्यूट H2SO4 का, दैट मीन्स जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, वो यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो दो लीड है वो यहाँ पे डिप किया हुआ है। ओके, सो दैट इज कंटेनर। और ये जो है इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लेट। देखो प्लेट दो तरह का होता है, एक है प्लेंट, एक है फोर्ड। ओके, सो और इसे कहते हैं फॉर्म्ड, मतलब ये प्योर लेड से बना होता है, जो फॉर्म्ड होता है कि रिपीटेड चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से इस तरह का प्लेट जो है वो फॉर्म होता है। और इस तरह का प्लेट क्या होता है, एक्टिव मटेरियल पेस्टेड ऑन लेड मेड ग्रिड टाइप प्लेट्स। ग्रिड टाइप प्लेट्स जो होता है उसमें एक्टिव मटेरियल हम लोग पेस्ट करके ये जो लिड है, ये जो प्लेट है, इसे बनाते हैं। ठीक है, प्लेट दो तरह का होता है, दैट इज पॉजिटिव, ये है नेगेटिव प्लेट एंड दिस वन इज पॉजिटिव प्लेट। ओके, सो ये नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट, ये जो डायल्यूट H2SO4 का सोल्यूशन है इसमें डिप किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज सेपरेटर। और देखो यहाँ पे ये जो जो दोनों टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल का ये देखो प्लेट जो है इसमें नीचे डिप किया हुआ है। ओके, सो दिस इज एक्चुअली प्लेट। ओके, दिस इज द पॉजिटिव प्लेट, सॉरी, हाँ यस, पॉजिटिव प्लेट एंड दिस वन इज नेगेटिव प्लेट। ओके, सो ये नेगेटिव प्लेट, सीरीज ऑफ नेगेटिव प्लेट एंड सीरीज ऑफ पॉजिटिव प्लेट, ऊपर जो होता है ये है नेगेटिव टर्मिनल एंड दैट वन इज पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, नेक्स्ट इज सेपरेटर। ओके, सेपरेटर किससे बना होता है, स्पेशली ट्रीटेड वुड, रबर और सेलुलॉइड से बना होता है। ये किस लिए यूज होता है, देखो यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं वर्टिकली, वो डॉटेड लाइन है सेपरेटर। सेपरेटर ये जो दो प्लेट है, उन दो प्लेट के बीच में एक इंसुलेशन की तरह, इंसुलेटर की तरह काम करता है। ओके, सो दैट इज नथिंग बट सेपरेटर। सेपरेटर, ओके, सो ये जो डॉटेड लाइन है दैट इज सेपरेटर। सेपरेटर किस चीज से बना होता है, स्पेशली ट्रीटेड वुड, रबर और सेलुलॉइड से। ओके, नेक्स्ट इज सेल कवर। सेल कवर क्या है, ये जो पूरा कवर है, यही सेल कवर है जिसके अंदर
प्लेट रहता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट रहता है, सेपरेटर रहता है, सेल कनेक्टर रहता है, ये सब कुछ यहाँ पे रहता है. ओके, तो हम लोग इसे कहेंगे कंटेनर, सेल कवर. ओके, सेल कवर. नेक्स्ट इज वेंट प्लग. ये जो देखो यहाँ पे दिख रहा है तीन चीज, ये जो है दैट इज वेंट प्लग. वेंट प्लग क्या होता है, यहाँ पे जब केमिकल प्रोसेस चलता है तो यहाँ पे गैस जनरेट होता है, उस गैस वेंट प्लग के थ्रू बाहर चला जाता है, क्योंकि जो बाहर अगर बाहर नहीं चला जाए तो ये जो भीतर का जो प्रोसेस है वो हैम्पर हो सकता है, जो प्लेट्स है वो डैमेज हो सकता है, इसलिए उस गैस को, अनवांटेड गैस को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है. सो वेंट प्लग के थ्रू वो बाहर चला जाता है. नेक्स्ट इज प्लेट कनेक्टर. प्लेट कनेक्टर क्या है, जो यहाँ पे प्लेट डिप किया हुआ है उस प्लेट के बीच में, प्लेट के बीच में जो कनेक्ट रहता है, सो इतना प्लेट्स हम लोग के पास है उन सभी के बीच में जो कनेक्टर रहता है दैट इज प्लेट कनेक्टर. ओके, दिस इज प्योर लेड. पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स आर वेल्ड सेपरेटली. पॉजिटिव प्लेट जो है और नेगेटिव प्लेट जो है वो उस प्लेट कनेक्टर के साथ वेल्डिंग किया रहता है सेपरेटली, और ये सब बन के बनता है ये जो नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल. ओके, सब प्लेट को कनेक्ट करके हम लोग एक टर्मिनल बनाते हैं दैट इज पॉजिटिव. सब नेगेटिव प्लेट्स को कनेक्ट करके हम लोग एक टर्मिनल बनाते हैं दैट इज नेगेटिव टर्मिनल. ओके, नेक्स्ट इज सेल कनेक्टर. ओके, ये भी लेड से बना होता है, यूज टू कनेक्ट सेल्स इन सीरीज टू फॉर्म ए बैटरी. यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, देखो डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड सेल क्या है. हम लोग अगर टू और मोर देन टू सेल को सीरीज में कनेक्ट करेंगे सो दैट विल फॉर्म अ बैटरी. ओके, दैट मीन्स सेल इज अ स्मॉलर फॉर्म ऑफ बैटरी. क्लियर, मान लो एक सेल का वोल्टेज क्या है 1 वोल्ट या जनरली 1.7 टू 2 वोल्ट इस तरह होता है. तो अगर हम लोग 10 सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वो पूरा बैटरी का टोटल वोल्टेज क्या होगा 2 × 10 दैट इज 20 वोल्ट. ओके, सो इस तरह से बैटरी बनता है. सो अगर सेल को टू और मोर देन टू सेल को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इट विल फॉर्म अ बैटरी. क्लियर, नेक्स्ट इज सीलिंग कॉम्पाउंड. दैट इज एक्चुअली बिटुमिनस कॉम्पाउंड होता है, बिटुमिन कॉम्पाउंड. सो ये क्या काम करता है, ये जो पूरा कंटेनर है इसको एयरटाइट बनाने के लिए सीलिंग कॉम्पाउंड हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, क्योंकि कहीं पे लीक ना हो जाए इसलिए सीलिंग कॉम्पाउंड से हम लोग उसे सील कर देते हैं. ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट. दैट इज ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं डाइल्यूट H2SO4. यहाँ पे तीन भाग पानी रहता है और एक भाग डाइल्यूट H2SO4 रहता है. ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन में केमिकल प्रोसेस होता है. जब हम लोग ये जो लेड है, जो प्लेट्स है, इसे हम लोग डिप करते हैं तो केमिकल प्रोसेस होता है. उस केमिकल प्रोसेस से एक वोल्टेज जनरेट होता है, उस वोल्टेज को हम लोग यूज करते हैं बाहर हम लोग अगर वायर कनेक्ट कर दे तो. ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट द बेसिक्स ओवरव्यू ऑफ स्टोरेज सेल. तो हम लोग क्या देखें कि स्टोरेज सेल का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है. केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसका मेन पार्ट्स देखा, टाइप्स ऑफ सेल्स देखे, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल उसका डिफरेंस देखे, और ये देखे हम लोग कि लेड एसिड सेल का क्या क्या मेन पार्ट्स होता है, और यहाँ पे एक डायग्राम भी हम लोग देखे. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय.